पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आ गए। लौट आए घर। चॉइस नहीं थी हमारे पास, बाप चुनने में चॉइस नहीं थी। कैसे बात कर रहे हो आदि? क्या हुआ? क्या होगा मां? आपके पति ने उसके पापा को धमकी दी और उन्होंने पलट के हमें चेतावनी दे दी मां। वैसे मां एक बात माननी पड़ेगी, गिरिराज प्रधान ने एकदम सही प्रोफेशन में है, राजनीति। जहां जाते गिल्ट फ्री तबाही मचाती। सोचिए अगर वो डॉक्टर होते तो कितने खून माफ होते उन्हें। ओके, काम डाउन। बहुत हो गया गुस्सा, आओ आराम से बैठो और मुझे ये बताओ कि ऐसे में काव्या ने क्या किया। वो क्या करेगी माँ, अपने पापा के खिलाफ जाएगी? नहीं ना, क्यों जाए, वो उसे जाना भी नहीं चाहिए। माँ उनमें ना बहुत प्यार है, उन्हें मनाना बहुत मुश्किल होगा माँ। मेरा दिल कहता है कि काव्या अपने घर वालों को मना लेगी। वो भी यही कहती है माँ, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उन्हें मनाना पड़ेगा, हम उसे खो नहीं सकते माँ। ऐसे कैसे खो दोगे? मैं ना ये छुप छुप के प्यार कैसे होता है? छुप के प्यार करने में ही तो असली मजा है आदि। मेरे पापा ना तुम्हारे पापा को फूटी आंख पसंद नहीं करते। कहा मैं आईएस ऑफिसर, तुम्हारे पापा गांव का छोरा। वो हमें देखने के लिए गांव के ग्वाले का गमछा इस्तेमाल करके हमारे घर में आ जाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। Disguise. Yes. पर दीदी हमें एक बार बताओ तो। नहीं मयंक, अभी बिल्कुल भी नहीं, अभी हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं यार, हमें इतना सारा काम करना है, हम आज नर्वस ऑलरेडी, हमारा पहला दिन है पोस्टिंग का और हम चाहते हैं सारी चीजें स्मूथली हो जाए, हमारे बॉस अच्छे हो। फोन कहाँ रख दिया हमने अभी? वहाँ जो ड्रामा चल रहा है वो तो चल रहा है, ये बता कि यहाँ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तेरा चेहरा देखकर पढ़ लेते हैं हम, दिमाग में क्या उथल पुथल चल रही है तू हमको बता सकती है, समझी ना? कितनी प्यारी लगती है ना बातें करते हुए। देखिए कुछ रहेगा ना तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अरे भाई हर आज की बात है, हम भी तो सुने। आपके बारे में हो रही थी बात? हमारे? हाँ, मम्मी शिकायत कर रही थी आपके बारे में। पापा वैसे इससे याद आया कि हमने बिजली का बिल भर दिया, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब बहुत याद आएगा हमको काव्या। अरे क्या याद आएगा, चाइना थोड़ी जा रही है, एक घंटा दूर जा रही है, रात को वापस भी आ जाएगी। और अच्छा है जाए, हमें कम से कम कमरा तो मिलेगा। इतना बोलने लगा? अरे वो क्या कानपुर वाली दीदी क्या बोल रही थी कि इलाका अच्छा नहीं है ना? हम जानते हैं, हमने रिसर्च की थी, वो थोड़े से शराब के ठेके ज्यादा है वहाँ पे, तो उनके आपस में ही झगड़े होते रहते हैं। पर टेंशन मत लीजिए, हमारे सीनियर्स को ज्यादा नॉलेज होगी तो हम देख लेंगे। चलो ठीक है, मल टैक्सी आने वाली है, अब देखते हैं। टैक्सी से जाएगी अकेली? मम्मा हमें बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, और वैसे भी अब जहाँ पे भी जाएंगे हमें अकेले तो जाना है। बिल्कुल सही बात है, हम देखते हैं टैक्सी। तो एक सेकंड रुको ना, सेल्फी ले लेते हैं फिर जाना। चलो 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 जल्दी लो। आदि के पागलपन को हवा मत दीजिए मालिनी जी, अगर ये राज का बांध टूटा ना तो सैलाब आ जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बस इतना याद रखना कि ये राज तुम्हारे दोनों बेटों की जिंदगी को तहस नहस कर देगा। मुझे ना तो आपके राज से मतलब है और ना ही आपकी चेतावनी से। मेरे बेटे की खुशी जिस बात में है वो होके रहेगी।
इतनी देर क्यों लगा दिए? हाँ, पता है टाइम पे पहुंचना है। तुम लोगों ने लोग कभी नहीं सुधरोगे। काव्या सुन, एक बात याद रखना, ये ट्रेनिंग अलग तरह की होती है और फील्ड में काम अलग, इसलिए हमेशा सतर्क रहना और फालतू की बातों में ध्यान मत भटकाना। मतलब अधिराज चल ना, देर हो रही है, चल जल्दी आ। ये तेरे लिए लड्डू बनाए, हमारी याद आए तो खा लेना बेटा। चल 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 बेटा, खा ले, चल जल्दी आ, जल्दी आ जी, आराम से जाना, भाई सब अच्छे से ले जाना। भैया आपने कितना लेट कर दिया, अभी प्लीज जल्दी से चलिए। देखो भैया, दौड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से चलाना। हाँ, अरे ये चेहरा क्या छुपा रहे हो, चलो निकलो जल्दी से। ज्यादा हीरो की मत दिखाना, आराम चलाना। चली जाएगी आराम से, आप चलो हमारी कॉलेज की फीस ही भर। मम्मी रुक जाओ यार। ये आपने अपनी गाड़ी क्यों रोक दी है? ये क्या कर रहे हैं? आदि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? प्यार छुपाने की बात हुई थी, खुद छुपने की नहीं। अच्छा तो एक बात बताओ, ये जो तुम गुलिया बदल के क्यों आए हो? पहले मिल लेते अंकल जी से, नमस्ते कर लेते उन्हें। तो उसमें क्या है, अगली बार हम वो भी कर लेंगे। अच्छा? कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा डरपोक हो तुम, नहीं कर पाओगे। हम हाँ तुम्हारे पापा से डरते हैं? बिल्कुल भी नहीं। काव्या एक काम करते हैं, अभी वैसे भी ज्यादा दूर आए नहीं है, तो वापस जाते हैं, एक बार पापा से मिलते हैं, फिर आते हैं। तुम तो डरते नहीं हो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं डरते, चलो चल चलते चलते। चल जल्दी करो, दो दिन पहले नहीं बता सकता था पापा? पता नहीं रिक्शा मिलेगा या नहीं। मिल जाएगा। ये किसकी गाड़ी है? काव्या है क्या इस पे? काव्या दीदी अरे काव्या सुनो, अच्छा हुआ तुम मिल गई। क्या हुआ? अरे सुल्लू की फीस भरने की आखिरी तारीख है आज। हाँ स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया, तुम उसी तरफ जा रही हो ना, हमें छोड़ दोगे प्लीज? पापा वो हम सोच रहे थे कि हम किसी और रास्ते से चले जाते हैं, टैक्सी बुला। अरे नहीं नहीं उस रास्ते तो ब्रिज का काम चल रहा है भाई, वहाँ जाम मिलेगा। चलो हम रास्ता बताते हैं। पापा आगे क्यों बैठ रहे हैं आप हमारे साथ बैठ? अरे हम रास्ता बताए आगे बैठ रहे हैं। हमारे साथ बैठे, हमारी पोस्टिंग का पहला दिन है। आइए बैठो आगे। चलो भैया जल्दी करो। सब कुछ आखिरी दिन करेगा। पापा यार बेफालतू में इतने टेंशन लेते हो, हर तीन महीने बाद नया बैच शुरू होता है, अगले में ज्वाइन कर लेंगे। और तीन महीने शहर के खाक छानोगे, लुक्खागिरी करोगे, यही तो समस्या है इस पीढ़ी की। बातों के हवा महल बनवा लो इनसे बस, जिम्मेदारी तो रत्ती भर की नहीं निभाएंगे। अरे वो लड़का है ना अधिराज प्रधान, वही हाल होगा तुम्हारा, देख लेना। पापा आदि कहाँ से आ गया बीच में? लुक्खा है वो लड़का, उसके अंदर हर वो बुराई है जो हमारी दुनिया को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। अरे अरे आराम से, आराम से भाई, पहले ही बढ़ के। सुधर जाओ बेटा, समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो उसके जैसे ही लक्ष्यहीन हो जाओगे तुम, बता रहा हूँ। अब ये तुम गाड़ी उड़ा क्यों रहे हो? शरीर की सारी हड्डियां कीर्तन करने लगी आपस में। अब देख मैं ये ख्याल अपने दिमाग से निकाली कि हम तुम्हें अधिराज पठान के जैसे हाथ पे हाथ धर के बैठने देंगे, ठोक बजा के किसी न किसी लायक बना ही देंगे, तुम देखना। नौकरी करोगे, शादी करोगे और जिम्मेदारी भी उठाओगे। मतलब आपने ठान लिया हमारी लाइफ को नीरस बना के मानेंगे आप? दीदी यार आप ही समझाओ इन्हें कुछ। अरे दीदी क्या बताएगी? हाँ हमारी काव्या को अच्छे से मालूम है, जो बाप अपनी बेटी से प्यार करता है ना, वो उसका हाथ अधिराज प्रधान जैसे निकम्मे के हाथ में कभी नहीं थमाएगा। पापा वो कोई बेवकूफ थोड़ी, उसने आईएएस पास किया, हमसे ऊपर रैंक थी उसकी, मेहनत तो की होगी ना, और उसने सीट छोड़ी भी तो आपकी बेटी के लिए। काव्या दिमाग से बहुत तेज हो लेकिन दिल की बहुत भोली हो। अरे ऐसे लड़के स्थिर नहीं होते हैं,
शुरू शुरू में इनकी बातें, इनका रंग रूप बहुत प्यारा लगता है, लेकिन बाद में असली रूप नजर आता है। इनमें संजीदगी नहीं होती है और ये सब दोस्ती में तो चलता है, लेकिन शादी के बाद ये सब रवैया ले डूबता है, बता रहे। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।